हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ। दोस्तों, जैसे मैंने अभी अभी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रूफ दिखाया था कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है और इसके रिगार्डिंग एक कमेटी गठित की जा चुकी है आरआरबी के द्वारा। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको दोस्तों आधार के तौर पर ट्विटर हैंडल जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्वीट है मैंने वो दिखाया था, लेकिन अभी दोस्तों 5 मिनट पहले ही आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बिल्कुल विख्यात रूप में बताया है कि हम कमेटी को गठित करेंगे और कैसे कैसे हम उसके ग्रीवेंसेस कब से कब तक स्टूडेंट की सुनेंगे। वो मैं आपको दोस्तों एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो पाए कि क्या रेलवे ने कहा है इस भर्ती के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, ये मैंने खोल रखा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो हुआ है पब्लिश, ये है ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स बाय आरआरबी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमेटी। ए हाई पावर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द कंसर्न्स एंड डाउट रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिगार्ड टू रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 1/2019 ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स 14-15 जनवरी 2022। देख सकते हैं दोस्तों आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी इज एज फॉलोज। इसमें दोस्तों बता रखा है कि कौन कौन मेंबर है। इसमें 5 मेंबर हैं, श्री दीपक पेटर ये प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, श्री राजीव गांधी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये श्री आदित्य पवार चीफ पर्सनल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, श्री जगदीश अलागर और श्री मुकेश गुप्ता, ये हैं दोस्तों आरआरबी भोपाल के चेयरपर्सन। ठीक है, हम देख सकते हैं दोस्तों क्या है, द कमेटी विल गो इनटू फॉलोइंग इश्यूज रेज्ड बाय कैंडिडेट्स एंड गिव रिकमेंडेशन। क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप, फर्स्ट में लिखा हुआ रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी सेंट्रलाइज्ड 1/2019 ऑफ एनटीपीसी एंड मेथोडोलॉजी यूज फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। मतलब कि दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो सेकंड स्टेज के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो चुके हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जो ग्रीवेंसेस कैंडिडेट्स के द्वारा डाली गई हैं। इस पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन पर ही विचार किया जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो चुका है उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को हटाया जाएगा। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। नेक्स्ट लिखा दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी इन सेंट्रलाइज नोटिस RRC 1/2019। ठीक है, द कैंडिडेट्स कैन लॉज देयर कंसर्न एंड सजेशन टू द कमेटी एट फॉलोइंग ईमेल आईडी। आपको कुछ भी बताना है दोस्तों, कोई भी आपकी ग्रीवेंसीज है रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो आप RRBcommittee@railnet.gov.in पर ईमेल करके आप बता सकते हैं कि क्या आपको शिकायत है, क्या आप सुधार करवाना चाहते हैं रेलवे के जो रिजल्ट आया एनटीपीसी का उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ऑल चेयरपर्सन ऑफ आरआरबी हैव आल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिसीव द ग्रीवेंसेज ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू देयर एग्जिस्टिंग चैनल्स, कंपाइल दीज ग्रीवेंसेज एंड सेंड द सेम टू द कमेटी। ठीक है, मतलब ये है, कंपाइल करें उसको, कमेटी को सेंड करें। कैंडिडेट्स आर गिवन 3 वीक्स टाइम टू 16 फरवरी 2022 टू सबमिट देयर कंसर्न्स एंड कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग दीज कंसर्न्स विल सबमिट देयर रिकमेंडेशन बाय 4 मार्च। मतलब दोस्तों जिसके पास भी कोई भी शिकायत है रिजल्ट के रिगार्डिंग, वो 16 फरवरी से पहले पहले आप इसका जो ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं और इसके रिगार्डिंग जो कमेटी है वो रिकमेंडेशन जो रिजल्ट जो अपना पब्लिश करेगी वो 4 मार्च 2022 को करेगी। ठीक है, इन व्यू ऑफ एवर सेकेंड स्टेज सीबीटी ऑफ सेंट्रलाइज 1/2019 एनटीपीसी फॉलोइंग विद वेलफेयर 15 फरवरी से जो है दोस्तों 2022 से फर्स्ट स्टेज जो है और 23 फरवरी तक होना था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, जो सेकंड स्टेज सीबीटी था एनटीपीसी का वो और जो आरआरसी का जो ग्रुप डी का एग्जाम होना था वो दोनों के दोनों पोस्टपोन्ड किए जा चुके हैं टिल फर्दर नोटिस तक। मतलब जब तक कोई आगे नोटिस नहीं आता तब तक के लिए एग्जाम पोस्टपोन्ड है। तो जिसको भी जो भी शिकायत थी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई RRBcommittee@railnet.gov.in पे दोस्तों 16 फरवरी से पहले आप अपनी ग्रीवेंसीज, आप अपनी शिकायत, आप अपना सुझाव रिजल्ट को लेकर के रेलवे को बता सकते हैं ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम थी रिजल्ट के रिगार्डिंग वो दूर हो सके। ये था दोस्तों फुल नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको 10-15 मिनट पहले ही एक वीडियो बना के माध्यम से बताया था ट्विटर हैंडल के माध्यम से। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जीत हुई है। 26 जनवरी को आपको यही गणतंत्र दिवस पर तोहफा दिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिस बच्चे को भी रिजल्ट के रिगार्डिंग डाउट था, कोई भी शिकायत थी, तो उस पर ईमेल करके सुधार करवा सके ताकि उसका भी जो सुनहरा मौका है नौकरी पाने का वो उसका सफल हो सके। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।